इन लोग का तो सदस्यता समाप्त होगा ही जो विधायक इधर उधर कर रहे हैं, और इन लोग को जनता भी क्षेत्र से खदेड़ करके जूता मार के भगाने का काम करेगा। नीतीश कुमार को भी खत्म करने के लिए लोगों ने साजिश रच लिया है। विधायक को तोड़ने के लिए बीजेपी प्लान कर लिया है, प्लान तैयार है। जेडीयू के विधायक को तोड़ने के लिए लोग प्लान तैयार कर लिया है। नीतीश कुमार जी के ऊपर तो कब्जा कर ही लिया, अब नीतीश कुमार जी के कुर्सी के ऊपर भी लोग कब्जा करने जा रहा है। अभी पगड़ी बांधे हुए हैं, उनको हटा के ही पगड़ी खोलेंगे वो। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है बिहार में अब खत्म हो जाए? तो अभी तक तो खोल बिहार में के कर महागठबंधन के विधायक टूट रहे हैं, कोई बीजेपी जा रहा है तो कोई जेडीयू जा रहा है। आरजेडी के 4 विधायक टूट चुके हैं, कांग्रेस के 2 विधायक टूट चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन हैं। मुकेश रोशन जी, महागठबंधन इतनी कमजोर है, एक एक कर विधायक टूट जा रहे हैं। देखिए, महागठबंधन कमजोर नहीं है, लेकिन बीजेपी धन बल के प्रयोग से जो विधायकों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और आप सब लोग जानते हैं कि इन लोग का तो सदस्यता समाप्त होगा ही जो विधायक इधर उधर कर रहे हैं, और इन लोग को जनता भी क्षेत्र से खदेड़ करके जूता मार के भगाने का काम करेगा। जिस तरीके से ये लोग जो गलत कदम उठा रहे हैं, इन सभी लोगों पर कार्रवाई होगा। और आपको पता है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए सब हथकंडा अपना रहा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी खत्म करने के लिए लोगों ने साजिश रच लिया है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा था नीतीश कुमार को खत्म कैसे करेंगे? अरे, इन लोग का 30 विधायक को तोड़ने के लिए बीजेपी प्लान कर लिया है, प्लान तैयार है। जेडीयू के विधायक को तोड़ने के लिए लोग प्लान तैयार कर लिया है, तो साथ में है ना। अरे, आप देखिए तो देखते जाइए ना। अभी नीतीश कुमार जी के ऊपर तो कब्जा कर ही लिया, अब नीतीश कुमार जी के कुर्सी के ऊपर भी लोग कब्जा करने जा रहा है। बीजेपी के लोग जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र जो है वो लोक और लाज से चलता है, न कि खरीद फरोख्त से चलता है। ये जो धन बल का प्रयोग कर करके और लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। आपने कहा कि बीजेपी जो है लार्जेस्ट पार्टी बन रही है और जेडीयू के 30 विधायकों को तोड़ सकती है, तो क्या लगता है ये खेला भी हो सकता है या अभी वक्त है इसमें? देखिए, ये सब बीजेपी के लोग जो है वो साजिश रच रहे हैं और प्लान बी तैयार करके नीतीश कुमार के 30 विधायकों को अपने पाला में लेने के लिए ये साजिश रच रहे हैं। कब तक होगा ये? और हमको लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार शिथिल, डरे हुए और बीमार मुख्यमंत्री हैं, तो हमको लगता है कि सम्राट चौधरी जी बोले थे कि जब तक हम नीतीश कुमार जी का कुर्सी से नहीं हटाएंगे, तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। तो इसका मतलब अभी पगड़ी बांधे हुए हैं, उनको हटा के ही पगड़ी खोलेंगे वो। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है बिहार में अब खत्म हो जाए? तो अभी तक तो खोल देना चाहिए था उनको पगड़ी, मतलब खेला अभी और बाकी। पगड़ी खोल देना चाहिए था ना, पगड़ी तो अभी तक खोले नहीं सम्राट चौधरी। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खत्म करके जो है वो पगड़ी अपना खोलने का काम। आप लोग के साथ खेला होगा, आप नीतीश कुमार के साथ खेला होगा? नीतीश कुमार के साथ वो खेला करना शुरू कर दिए हैं। चलिए, तो देखिए, ये बड़ा आरोप है आरजेडी के तरफ से। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने ये बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि नीतीश कुमार के साथ खेला होने वाला है सम्राट चौधरी। जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने के बाद ही पगड़ी खोलेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक पगड़ी नहीं खोला। यानी कि आरजेडी ने आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है।